ह्यूमन आई। एज यू नो कि जो ह्यूमन आई है वो एक सेंस ऑर्गन है जिसकी हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को विजुलाइज कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आंखों में एंटर करती हैं, आइज़ में एंटर करती हैं, तो वो रिफ्रैक्शन फिनोमिना के थ्रू एंटर करती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इस दौरान दो ट्रांसपेरेंट पार्ट जैसे कॉर्निया और बाईकन्वेक्स लेंस, ये दोनों ट्रांसपेरेंट पार्ट होते हैं, और ये यहाँ से लाइट रेस रिफ्रैक्ट होने के बाद रेटिना पर इंटरसेप्ट करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो जो रेटिना है ये आई का वो पार्ट है जहाँ पर इमेज फॉर्म्ड होती है, जिसकी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को विजुलाइज कर पाते हैं। तो उस दौरान जो हमारी बाईकन्वेक्स लेंस होता है वो फोकल लेंथ को चेंज कर देता है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसी एबिलिटी को, डेट मीन्स एबिलिटी ऑफ द लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ, इज कॉल्ड एकोमोडेशन पावर ऑफ द आई। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आई डिफेक्ट्स। मायोपिया, तो मायोपिया जनरली ध्यान रखना है मोस्ट कॉमन आई डिफेक्ट होता है, और इसको दूसरे शब्दों में नियर साइटनेस भी कहा जाता है। अब इसे नियर साइटनेस क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो हमारी आइज़ होती हैं वो नियर रखे ऑब्जेक्ट को तो क्लियरली विजुलाइज कर सकती हैं, लेकिन जब इसी ऑब्जेक्ट को दूर रखा जाता है तो वो क्लियर विजुलाइज नहीं होता, इसलिए इसे नियर साइटनेस कहा जाता है। तो क्वेश्चन उठता है ऐसा क्यों होता है? तो आपको ध्यान रखना है जब ऑब्जेक्ट आँखों के पास होता है तो उस दौरान उससे आ रही जो लाइट हैं, लाइट रेज हैं, वो रिफ्रैक्ट होने के बाद रेटिना पर इंटरसेप्ट करती है, जिससे जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियर विजुलाइज होता है। लेकिन जब इसी ऑब्जेक्ट को हम दूर रख देते हैं, ठीक है, आँखों से दूर रख देते हैं, तो ये ब्लर दिखने लगता है। तो ब्लर विजुलाइज क्यों हो रहा है? क्योंकि इससे आ रही जो लाइट रेज हैं जब वो कॉर्निया और बाईकन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्ट होंगी, तो रिफ्रैक्ट होने के बाद उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना होता है। आप देख सकते हैं जो लाइट रेज हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं इन फ्रंट ऑफ रेटिना, ना कि रेटिना पर। तो यही कारण है कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमें ब्लर दिखता है। ओके, तो ऑब्जेक्ट ब्लर क्यों दिख रहा है? क्योंकि जो इमेज है ऑब्जेक्ट की वो कहाँ बन रही है? इन फ्रंट ऑफ रेटिना बन रही है, ना कि रेटिना पर। तो इसके पीछे क्या कारण है, इसका कॉज क्या है? तो आपको ध्यान रखना है कि जो इमेज है वो रेटिना पर इसलिए नहीं बनी क्योंकि जो मायोपिक आई होती है और जो नॉर्मल आई होती है उनका डायमीटर अलग अलग होता है, क्योंकि मायोपिक आई का जो साइज़ होता है या आई बोल साइज़ होता है वो लार्ज होता है, जिसकी वजह से जो डायमीटर है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और हम ये भी कह सकते हैं जो डिस्टेंस है बिटवीन बाईकन्वेक्स लेंस एंड रेटिना वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो नॉर्मल आई का डायमीटर और मायोपिक आई का डायमीटर अलग अलग होता है, जिस वजह से जो दूर रखा ऑब्जेक्ट है उससे आ रही जो लाइट रेज हैं उनका आफ्टर रिफ्रैक्शन जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना होता है, जिस वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो हम क्लियर विजुलाइज नहीं कर पाते, और जो इमेज है वो रेटिना पर ना बनकर रेटिना के फ्रंट पर बनती है। ओके, अब ऐसी सिचुएशन में हम इस डिफेक्ट को कैसे करेक्ट कर सकते हैं, इसका कोई सॉल्यूशन है या नहीं वो देखते हैं। तो इसका एक सॉल्यूशन है जिसके थ्रू हम इसको फिक्स कर सकते हैं, इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो वो सॉल्यूशन ये है कि जब ऑब्जेक्ट दूर रखा होता है तो हमें एक ऐसे लेंस की हेल्प लेनी होगी या एक ऐसे लेंस का इस्तेमाल करना होगा जो लाइट रेस को डाइवर्ज कर दें। जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे ही कनकेव लेंस को हम इन फ्रंट ऑफ आइज़ रखते हैं तो जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियर विजुलाइज होने लगता है, क्योंकि उससे आ रही जो लाइट रेज हैं ये उनको डाइवर्ट कर देता है, और डाइवर्ट होने के बाद जब वो रिफ्रैक्शन के थ्रू कॉर्निया और बाईकन्वेक्स लेंस से पास आउट होती हैं तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो रेटिना पर बनता है, जिसकी वजह से हमें जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियर विजुलाइज होने लगता है, क्योंकि अब जो इमेज है वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना ना बनकर रेटिना पर बन रही है। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट मायोपिया। तो अब एक बार मायोपिया को रिवाइज कर लेते हैं कि एक्चुअल में मायोपिया होता क्या है। ओके, तो सबसे पहले ध्यान रखनी है मायोपिया में क्या होता है, जो आई बोल का साइज़ है वो लार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से दूर रखा जो ऑब्जेक्ट है वो हमें नहीं दिखाई देता, क्योंकि उससे आ रही जो लाइट रेज हैं वो जब कॉर्निया और बाईकन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्ट होती हैं तो रिफ्रैक्ट होने के बाद वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनती है। ठीक है, तो इमेज जो है वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनती है क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन फ्रंट ऑफ रेटिना होता है। ठीक है, तो एज ए रिज़ल्ट हम यहाँ पर एक कनकेव लेंस का यूज़ करते हैं जिससे हम इस डिफेक्ट को करेक्ट कर सकते हैं, और उससे आ रही जो लाइट रेज हैं
वो डाइवर्ज होकर कहाँ पर इंटरसेक्ट करती है, रेटिना पर करती है। इस तरीके से हम मायोपिया को फिक्स कर सकते हैं।